वेलकम टू सरो समाजी को राउंडर चैनल सरो समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आज मैं बताऊंगा घातांक एवं घात ठीक है घातांक एवं घात घातांक एवं घात गा, को इस तरह से मैं समझा दूंगा कि जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा तीन पीढ़ी तक याद रहेंगे चाहे कोई भी क्लास को हो एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व किसी भी क्लास का हो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप घातांक एवं घात नहीं जानकारी हैं तो आगे आपका काफ़ी कठिनाइयाँ हर मैथ में पूरी तरह से आपको कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्लास एट का जो घातांक एवं घात बता रहा हूँ सिर्फ क्लास एट के लिए नहीं है कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए घातांक एवं घात से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर घातांक और घात किसी भी स्टूडेंट का कमज़ोर है तो वो अपना पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर ले नहीं तो कोई भी हिसाब बनाए किसी भी तरह की इसका जरूरत ये चैप्टर से जरूरत बहुत सारे आते हैं इतना ही नहीं मैं क्लास एट का पिछला वीडियो भी मैं परिमेय संख्या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना चुके हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप जाकर देख सकते हैं वर्गमूल मूल घन एवं घन मूल वर्ग एवं वर्ग मूल परिमय संख्या सारा का सारा इस तरह से मैं बता दिया कि बोलने का तो बात ही नहीं है ठीक है जिस तरह से मैंने बताया हूँ तो आप जाकर देख सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा वीडियो थोड़ा धुंधलापन आता होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी रात को बनाया जा रहा है इसलिए लाइट का वीडियो और दिन का वीडियो में काफ़ी अंतर होती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक चीज़ आपको ध्यान देना है मैं अगर एक और से सीरियाली बाय सीरियाली बनाऊंगा तो आपको तो समझ में आ ही जाएंगे लेकिन इससे रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया तो आपसे हो सकता है आप गलत कर दे तो इसलिए इसका आप नियम सीख ले चाहे इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कम्पटीशन एग्जाम या कोई भी क्वेश्चन तो घातांक एवं घात नहीं भूलना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर दिया गया है मान लीजिए कि यहाँ पर जो दिया गया है वन बाय आठ माइनस फोर ठीक है वन बाय एट माइनस फोर लिखा गया है ठीक है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए वन बाय एट माइनस फोर है तो अगर एट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक नीचे एक नीचे और आठ आ जाएगा ऊपर और ये वाला माइनस जो है प्लस में हो जाएगा यानी आठ पर पावर चार हो जाते हैं अगर आठ पर पावर सिर्फ चार रहता है तो इसको हम ये तरीका से भी लिख सकते हैं वन ऊपर और आठ चार नीचे जैसे नीचे आएगा तो प्लस रहेगा तो हो जाता है यहाँ पर माइनस आपको बिल्कुल पता होगा ठीक है तो ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूं घातांक एवं घात माइनस सात पर पावर माइनस फाइव में माइनस सात क्या कहलाता है माइनस सात पर पावर माइनस सात पर पावर माइनस फाइव में दो तीन ये सब रहने से हो जाता घात ठीक है लेकिन माइनस फाइव है इसलिए ये क्या कहलाएगा घातांक कहलाएगा तो ध्यान दीजिए अब आप इसको ईजी तरीका से बना सकते हैं पाँच पर पावर तीन ठीक है यानी पाँच पर पावर तीन तो आपको पता तो बिल्कुल है इतना हिसाब बनाए यानी पाँच पर पावर है थ्री तो इसका मतलब हो जाएगा पाँच गुना पाँच गुना पाँच दो नंबर का हो जाएगा ठीक है पच्चे पच्चीस और पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस तीन नंबर के ध्यान दीजिए ठीक है जहां होगा 125 सौ आंसर वही होगा इसका आंसर अब किसी भी तरह की वीडियो की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा आपसे जो भी वीडियो क्लास एट का आएगा तो मिलेंगे इंग्लिश मैथमेजिक डॉक्टर एक चैनल है उसी पर नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें उसका सारा वीडियो उसी चैनल पर सही सटीक मिल जाएगा ठीक है अगर समझ में नहीं आएगा तो उस चैनल पर आपको रिप्लाई भी किया जाएगा तो कमेंट कीजिएगा तो ठीक है तो ध्यान दीजिए वो चैनल होगा आप अनसुनी ना करें वो चैनल इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर होगा उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी आवाज से ही दबा दें और ये चैनल तो आपके लिए काफ़ी अहम साबित होगा इसलिए ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब करना काफ़ी जरूरी है ताकि कोई भी वी वीडियो आपको मिल सके तो ध्यान दीजिए पाँच पर पावर क्या है माइनस थ्री है ठीक है पाँच पर पावर क्या है माइनस थ्री है तो इसको लिख सकते हैं अभी अभी मैंने बताया कि इस तरह रहेगा तो प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा तो यानी यहाँ हो जाएगा एक ऊपर और ये वाला पाँच बटा तीन जो लिखेंगे पाँच पर पावर तीन तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस में यानी वन पूर्णांक पाँच गुना पाँच गुना पाँच तो वन बाय क्या हो जाएंगे एक सौ पच्चीस जहाँ होगा वन बाय एक सौ पच्चीस वही वह होगा इसका आंसर ठीक है तो वन बाय फाइव चार नंबर का आंसर हो जाएगा ध्यान दीजिए चार नंबर में है ए बराबर माइनस वन ए बराबर माइनस वन बी बराबर टू तो बनाना है ए बी गुना बी ए ठीक है ए बी गुना बी ए तो जहां ए है वहां भर देना है माइनस वन तो ये तो है ए यहाँ भर देना है माइनस वन ऊपर में लिख देना है बी ऊपर में है बी तो बी के जगह लिखना है क्या दो देख के लिख देना है कोई दिक्कत नहीं दू गुना अब फिर है बी तो बड़ा है तो बड़ा ही लिख दें उससे कोई दिक्कत नहीं अब यहां पर ए ए है तो क्या लिखाएगा माइनस वन यानी कि हो जाएगा माइनस को गुना करेंगे एक गुना एक बराबर हो गया एक और दो का हो गया यानी कि इस तरह रहने से क्या हो जाएगा एक ऊपर दो नीचे ठीक है अब इसको गुना कर देते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए यह हो जाएगा एक ऊपर हो जाएगा और टू पर पावर माइनस वन है तो ये टू कहाँ आ जाएगा नीचे एक को एक बार पढ़ेंगे एक और नीचे टू है तो टू जहां होगा वन बाई टू वही होगा इसका आंसर एक अहम नॉलेज आप सीख ले चाहे कोई भी हिसाब हो ठीक है आठ पर पावर जीरो रहेगा तो उसका मान होगा वन एक सौ पर भी पावर रहेगा जीरो तो उसका भी पावर मान क्या हो जाएगा वन ठीक है तो ध्यान किसी भी संख्या पर ऊपर में जीरो रहेगा तो उसका मान होता है वन याद रख लीजिए तो यहां पर है पांच नंबर में एक सौ पर पावर क्या लिखा गया है एक सौ पर पावर जीरो तो इसका मान हो जाएगा वन आंसर ठीक है नौ सौ निन्यानवे पर पावर जीरो तो क्या हो जाएगा इसका भी मान हो जाएगा वन मैंने अभी तुरंत बताया कि किसी भी संख्या पर मान अगर जीरो रहेगा तो उसका मान हो जाता है वन तो वन लिखने के बाद आप बना भी सकते हैं सोल्व भी कर सकते हैं दूसरा हिसाब रहेगा तो पांच का भी होगा इसका आंसर वन और वन हो गया ठीक है छह का भी आंसर हो जाएगा देखिए लिखा हुआ है माइनस सात का क्यू लीजिए क्या बोल रहा है माइनस सात का होल क्यू तो हो जाएगा माइनस सात का बार लिखना है तीन बार माइनस सात गुना माइनस सात गुना माइनस सात तो माइना सात सात से क्या हुआ उनचास उनचास को सात से गुना करेंगे ठीक है उनचास को सात से गुना करेंगे तो हो जाएगा तीन सौ तैतालीस अब क्या करना है माइनस माँगा माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस जहां पर होगा माइनस तीन सौ तैतालीस वही होगा इसका आंसर तो यहां पर है माइनस तीन सौ तैतालीस वही होगा इसका आंसर अब आठ नंबर देख ही ले नंबर का हिसाब पर पावर माइनस थ्री तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ठीक है वन वन बटा थ्री पर पावर माइनस थ्री तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एक आ जाएगा नीचे एक आ जाएगा नीचे और ये दोनों चल जाएगा ऊपर ऊपर चल जाएगा लेकिन माइनस है तो हो जाएगा प्लस यानी कि नीचे एक नहीं लिखा जाता है ठीक है ऊपर वाला तीन गुना तीन गुना तीन तीनतिया नो, नो तिया, सताइस जहाँ होगा सताइस आंसर वही होगा इसका आंसर तो इसका आंसर है सताइस ठीक है अब यहाँ पर देख ही ले वन बाय थ्री पर पावर माइनस फोर नंबर no में क्वेश्चन है ध्यान दीजिए थोड़ा सा धुंधलापन तो दिखाई देगा ही रात और दिन में काफी अंतर होते हैं वन बाय थ्री पर पावर माइनस फोर ठीक है तो ध्यान दीजिए नौ नंबर में हो जाएगा पर पावर माइनस फोर ठीक है यानी ये पलट जाएगा यानी इसका मतलब हो जाएगा ध्यान दीजिए ये जो हो जाएगा माइनस में है तो तीन ऊपर और एक आ जाएगा नीचे और ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में ऑटोमेटिक बात है तो जैसे होगा एक गुना एक गुना एक इक्के होगा और इसका जो करेंगे तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन तो हो जाएगा तीन तिया नौ नौ तिया सत्ताईस सत्ताइस तिया इक्यासी आंसर जहाँ होगा इक्यासी आंसर वही होगा इसका आंसर अब बनाते हैं दस नंबर का दस नंबर में है पर पावर एम गुना पर पावर एम यानी पावर जुटता है याद रखिएगा जहाँ भी पावर होगा वो इसको जोड़ा जाता है मान के चलिए लिखा हुआ है पर पावर एम गुना ठीक है एक्स पर पावर एन तो इसका मान हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा यानी एक्स बराबर हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा ये दोनों पावर जुटता है जैसे छ पर पावर तीन गुना छ पर पावर 5 रहता है तो क्या लिखते हैं 6 पर पावर 5 और तीन आठ यानी जोड़ दिया जाता है या ये भी लिख सकते हैं जोड़ के लिखें तीन जोड़ पांच लिखे पांच क्या होता है आठ पावर जुटता है तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा एम प्लस एन यानी ये सब पावर क्या हो जाएगा जुट जाता है एम प्लस एन हो जाएगा नंबर का सवाल है पर पावर एम गुना बी पर पावर एम ठीक है पर पावर क्या है ध्यान दीजिए पर पावर एम भागा पर पावर एम ए पर पावर एम भागा बी पर पावर एम और फिर बोल रहा है जहां एम के जगह भर देना है जीरो तो ध्यान दीजिए ए पर पावर एम एम जहां है तो यहां भर दिए जीरो भागा बी है तो ऊपर में भर दिए जीरो अब इसका मान हो जाएगा वन इसका किसी भी संख्या का मान अभी अभी मैंने तुरंत समझाया किसी भी संख्या का मान होता है वन तो वन भागा हो गया वन एक को एक से भाग देंगे तो एक आंसर आएगा एक बारह नंबर का आंसर है इसी तरह से बारह नंबर का क्वेश्चन है ए बराबर माइनस एक और बी बराबर दो लिखना है जहाँ ए रहेगा तो माइनस एक लिखना है और बी जहाँ रहेगा तो दो लिखना है तो ए पर पावर ए पर पावर बी प्लस so तो बी, बी पर पावर ए तो यही चीज है ए के जगह माइनस वन और बी के जगह टू तो ए पर पावर बी प्लस बी पर पावर ए तो माइनस एक पर क्या हो गया दो और दो पर क्या हो गया एक यानी इसका मान हो गया माइनस एक दो बार है तो एक गुना एक हो गया एक गुना में चिन्ह भी बदल जाएगा पहला हो जाएगा एक ऊपर और माइनस में रहने से दो क्या हो जाता है नीचे और जो कि चिन्ह भी रहता है नीचे तो इसको इसको क्या बना देंगे भिन्न का जोड़ नीचे एक लिख के बना देंगे भिन्न का जोड़ तो दो और एक का लघुत्तम हुआ दो दो एक दो प्लस वन बराबर हो जाएगा तीन बटे दो आंसर जहां होगा तीन बटे वही होगा इसका आंसर तेरह नंबर में भी हिसाब है वही ध्यान दीजिए ए पर पावर वन और यहाँ पर हो जाएगा ए ए पर पावर बी प्लस बी पर पावर ए तो बनाना है वही तरह ये जहाँ है तो माइनस वन ऊपर में हो गया टू प्लस बी है तो ऊपर में हो गया टू यानी बी के जगह हो गया टू और ऊपर में हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन तो एक का हो गया एक प्लस वन बाय टू तो भिन्न के जोड़ बना देंगे इसका भी वही तरह क्या हो जाएगा दो और एक का लघुत्तम हो गया दो दो को एक बार पढ़ेंगे टू प्लस बराबर हो जाएगा तीन तीन बटे दो जहां होगा तीन बटे दो वही होगा इसका आंसर लेकिन इसमें ऑप्शन में ऑप्शन को बदल दिया गया है इसको पूर्णांक में लाया है तो पूर्णांक में कैसे लाना है तीन को भाग देना है दो से ध्यान दीजिए ये आंसर है तो ठीक है जैसे पहला हिसाब में ये आंसर था तो इसको भाग देंगे दो एका हो गया दो और नीचे एक यानी एक पूर्णांक एक ऊपर होता है पूर्णांक में ये वाला एक ऊपर और ये वाला हो जाता है नीचे यानी पूर्णांक अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए वन पूर्णांक वन बाय टू जहां होगा वन पूर्णांक वन बाय टू वही होगा इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा वन पूर्णांक वन बाय टू आंसर इसका मान हो जाएगा ए बराबर वन और बी बी बर, बराबर टू इसको भी आप मान भरिएगा तो आंसर आ जाएंगे ठीक है अब इसका आंसर क्या आएंगे दो आएंगे कि वन बाई टू आएंगे आप अपना हिसाब से बना लीजिएगा ठीक है अब पंद्रह नंबर का हिसाब है ध्यान दीजिए यहाँ पर रहेगा पंद्रह नंबर में हिसाब है ठीक है पंद्रह नंबर में हिसाब है जीरो पॉइंट जीरो 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 के गो जीरो है एक दो तीन चार चार को जीरो दे दिए और लिखा हुआ है पचासी ठीक है पचासी तो इसको कैसे बनाना है मानक रूप में इसको आठ पॉइंट फाइव लिखना है इसको लिखना है .5 और इधर के है? एक दो तीन चार पांच यानी गुना दे के दस पर पावर माइनस फाइव आंसर जहां होगा आठ पॉइंट फाइव माइनस दस पर फाइव वही होगा इसका आंसर इसी प्रकार इसको कहां पर बिंदा देना है यानी दस कहां देना है मानक रूप में बदलने के लिए एक के एक और पांच के दस मतलब दे दिए यहाँ पर दे दिए अब उसके बाद जीरो के गुआ एक दो तीन चार पांच छ सात दस पर पावर क्या हो जाएगा माइनस सात यानी वन पॉइंट फाइव हो जाएगा वन पॉइंट फाइव और गिन देना है दस पर पावर माइनस सेवन एक दो तीन चार पांच छः सात तो दस पर पावर माइनस सात हो जाएगा ठीक है अब आठ में देखिए आठ गुना लिखा हुआ है आठ गुना दस पर पावर माइनस तीन ध्यान दीजिए आठ गुना लिखा है आठ गुना दस पर पावर माइनस तीन तो टेंशन नहीं लेना है आठ गुना कर देना है और एक ऊपर दस नीचे लिखेंगे तो नीचे हो गया दस पर पावर तीन यानी आठ गुना हो जाएगा वन बाय दस का बार लिखेंगे तीन बार दस, दस गुना दस गुना दस एक हजार हो गया यानी हो जाएगा एक जो एक दो तीन तो यहां पर हो जाएगा आठ ध्यान दीजिए जगह नहीं है आठ को एक से गुना किए तो हो जाएगा एक हजार एक दो तीन एक हजार ठीक है यहां पर हो जाएगा आठ बटे एक हजार एक दो तीन अंक के बाद दस तो एक अंक तो ही है तो पॉइंट देखे जीरो जीरो आठ यानी एक के अंक के बाद दस हो तो जाएगा एक दो तीन अंक के बाद दस मल्ला तो एक दो तीन अंक के बाद दस अच्छा नहीं लगता है दिखने में इसलिए ये अपना मन से जीरो लगाया जाता है तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो आठ आंसर जहां है जीरो पॉइंट जीरो जीरो आठ आंसर वही होगा इसका आंसर यहां पर ध्यान दीजिए अठारह नंबर में है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सात सौ पच्चीस तो यहां पर दस मल्ला हो जाएगा सात पॉइंट पैंतीस यहाँ पर लिखा जाएगा सात पॉइंट थ्री फाइव तो लिख दिए पहले यहाँ पर पॉइंट दे दिए सात पॉइंट थ्री फाइव अब उसके बाद गिनती कर लेना है पॉइंट के बाद से कितना जीरो है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देना है एक दो तीन चार और पॉइंट तो साते में हुआ साते के बाद तो एक दो तीन चार पांच तो हो जाएगा सात पॉइंट पैंतीस गुना दस पर पावर माइनस फाइव एंसर ध्यान दीजिए उन्नीस नंबर में होगा इसका मान होगा एक और जोड़ है तो जोड़ तीन का भी मान हो जाएगा एक इसका भी मान एक और इसका भी मान हो जाएगा एक और एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दो आंसर यहां पर ध्यान दीजिए किसी भी संख्या पर मैंने अभी समझा दिया हूं किसी भी संख्या पर मान एक रखने पर एक ही होगा तो तीन पर पावर इसका भी मान रखेंगे एक जोड़ एक जोड़ एक तो एक दो तीन तो तीन हो जाएगा यहां पर रखेंगे इसका मान एक इसका मान होता ही है एक इसका भी मान होता है एक इसका भी मान होता है एक तो एक को एक गुना एक गुना एक गुना करेंगे तो इसका भी आंसर होगा एक तो अगला दिन जो वीडियो आएगा इस बार सिलेबस में संख्याओं के साथ खेलना नहीं पढ़ना है कटाया गया है तो इसका वीडियो नहीं बनेगा अगला दिन वीडियो जो बनेगा बीज व्यंजक का समीकरण जो ये वीडियो आपको मिल जाएगा इंग्लिश मैथमेटिक डॉक्टर चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सब्सक्राइब करने ना भूलें नहीं तो वीडियो नहीं मिलने वाला है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद नहीं आया या किसी भी तरह की परेशानी है तो आप हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे